बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ सबसे अलग रेसिपी, ये है अचार। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सेम की अचार, जो कि सेम इसको बोलते हैं, बहुत लोग जानते होंगे। तो इसके अचार मैं आज बनाने वाली हूँ। तो इसको मैं धो के और काट के ले ली हूँ अच्छे से, और इसके ना दोनों साइड के मैं निकाल दी हूँ, जो ऐसे रेसा जैसा रहता है ना, तो सब निकाल दी हूँ मैं और एकदम अच्छे से साफ़ करके ले ली हूँ मैं। तो चलो कैसे बनाते हैं तो बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको गैस ऑन कर लेना है और एक पतीले में पानी रख लेना है, या सस्पेन में या भगोना, मतलब कुछ भी में से पानी रख लेना है, और उसके अंदर ये डाल देना है जो सेम है। तो सेम को धो ली हूँ मैं, धो के अच्छे से पानी के अंदर डाल देना है और इसको पकाना है, मतलब 8 से 10 मिनट तक इसको पकाना है। ऐसे लगेगा ना कि हाँ ये पक गया, तब इसको बंद कर देना है गैस को। तो ये देखो बहुत अच्छे से पक रहा है, अच्छे से बुलबुला छोड़ रहा है, ये देखो बहुत अच्छे से पक रहा है। तो ऐसे ही आपको 10 मिनट तक पका लेना है और फिर इसको पानी से निकाल देना है। तो ये देखो काफ़ी अच्छे से पक रहा है और गैस भी चालू है। तो चलो अब दूसरे साइड में तेल को गरम कर लेती हूँ। तो ये कढ़ाई ले ली हूँ और इसमें मैं डाल दी सरसों का तेल। अचार जब भी लगाए ना तो सरसों के तेल में ही लगाए तो अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखो सरसों के तेल, इसको पूरा गरम कर देना है। आप लोग देखो ऊपर से थोड़ा सा दिखता होगा कि भाप आ रहा है, मतलब तेल बहुत गर्म हो गया है। तो इसको गर्म ही करना है, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है ताकि उसका कच्चा स्मेल होता है ना तो सब निकल जाए, सरसों तेल में जो स्मेल होता है तो सब निकल जाए। इसके लिए तेल को बहुत गर्म करना है। और गैस को मैं बंद कर दी हूँ और इधर देखो जो सेम है वो सेम पक गया है, एकदम अच्छे से पक गया है। तो सेम को मैं क्या की, उसमें से पानी में से निकाल ली सेम को और इसको कपड़े पे रख दी। एक अच्छा साफ सा कपड़ा लेना है और उसके ऊपर रख देना है ताकि जो सेम के अंदर पानी है ना तो सूख जाए, नहीं तो अचार ख़राब होने की चांस रहती है। तो ये जो तेल था, ये तेल मेरा गरम जो हो गया था, बहुत ज़्यादा गरम हो गया था, इसको गरम करके ही ठंडा करना रहता है। तो गरम कर दी थी मैं और ठंडा अभी हो गया है, देखो एकदम हल्का सा गरम है, हल्का सा। और इसमें सब मसाला मैं डाल दी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें डाली अजवाइन, मंगरायल, धनिया पाउडर, और अभी मैं इसमें हींग डाल दी। और इसको अच्छे से मिला लेना है। और ये देखो अभी लास्ट में मैं डाली इसमें सौंफ, जो कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है सौंफ खाने से, और सौंफ ठंडा भी रहता है, मतलब खाना चाहिए सौंफ और अजवाइन, मंगरायल, ये सब खाना चाहिए। तो ये देखो ये जो सेम रखी थी मैं कपड़ा के ऊपर, तो ये एकदम सूख गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। तो चलो अब डाल देती हूँ सेम को मसाले के अंदर। और तेल मेरा ज़्यादा है क्योंकि अभी धूप में रखूँगी सेम तो सूखेगा, अभी सेम पानी छोड़ेगा फिर उसके बाद सूखेगा, इसीलिए तेल थोड़ा ज़्यादा है। तेल थोड़ा ज़्यादा रहता है ना तो अचार ख़राब होने की चांसेस नहीं रहती है, तो इसीलिए तेल में कंजूसी नहीं करनी है। और ये देखो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऐसे सामने से एकदम येलो दिख रहा है अचार, लेकिन फ्लैश लाइट जलाई हूँ ना मैं तो थोड़ा सा कलर चेंज, ऐसे ग्रीन जैसा दिख रहा है, तो कोई नहीं, इग्नोर करना ऐसे। तो चलो लास्ट में अभी बचा है नमक, तो अभी मैं नमक डाल दी और इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि जो नमक है ना अचार के अंदर अच्छे से मिल जाए। तो ये नमक डाल दी और अच्छे से मिला दी हूँ मैं। और ये अचार ना खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो पहले हम लोग की मम्मी दादी ये लोग गांव में बनाते थे और यहाँ मैं मुंबई में फर्स्ट बार अचार बनाई हूँ। तो ऐसे अचानक से मुझे याद आया, सेम लेकर आई थी ना मार्केट से, तो मुझे अचानक से याद आया कि हाँ अचार इसका बनाऊँ मैं, तो वही अचार मैं बनाई और काफ़ी अच्छा बन गया है अचार। ये देखो बहुत ही अच्छा बन गया है। तो कैसा लगा आज का रेसिपी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये अचार अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।